वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, जहां अब आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद सियासत का सिलसिला तेज हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। देखिए, देश के अंदर कांग्रेस के जिस प्रकार के हालात बने हैं, कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में जिस प्रकार से देश के अंदर फूट डाल करके ही राज किया जा सकता है, ये जो मूल तत्व उनका है, इसके आधार पर इस देश के अंदर जो हालात कांग्रेस के बने, गुलाम नबी आजाद जैसे उनके वरिष्ठ नेता ने भी आज कांग्रेस की गुलामी से मुक्ति पाई और इसलिए आज ये दृश्य दिखाई देता है कांग्रेस का पूरे देश के अंदर। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि देश जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विश्वास जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति या नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है, तो ये भी एक आधार देश के अंदर बन रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चल सकता, देश सबका साथ और सबके विकास से चलेगा। तो ये हालात भी देश के अंदर बन रहे हैं, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद हों या कांग्रेस के प्रदेशों के अंदर काम करने वाले लोग रहे हों या जमीन पर काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, वो भी कांग्रेस से विमुख होकर के अपनी मुक्ति करने का काम लगातार देश के अंदर कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस केवल एक परिवार तक सीमित हो गई है। आपने देखा होगा कि जब जब बात चलती है तो कांग्रेस लेंस लगा करके ढूंढती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लाना है, तो कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि एक परिवार तक ही उनको सीमित रहना, एक परिवार में सिमट करके रहना इस देश के राजनीति का दुर्भाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और मैं तो गर्व से कहता हूं कि भारत की राजनीति में आजादी के 75 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नया संस्कृति विकसित की है कि परिवारवाद आज पूरी तरीके से राजनीति में समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस केवल एक परिवार तक सीमित बनकर के रह गई है। तो इसलिए जो काम करने वाले लोगों को लगता है कि हमें तो कहीं कुछ हो नहीं सकता, केवल गांधी परिवार ही, और वो भी केवल नाम का दुरुपयोग करके गांधी परिवार बना है, इसलिए इसी दिशा में वो लगातार कांग्रेस आगे परिवारवाद की ओर बढ़ रही है, लेकिन आज इस देश के अंदर लोगों में स्वीकारोक्ति है नहीं। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के लोगों का भी जो स्वत्व है, जब गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों को लगता है कि कब तक ये गुलामी करते रहेंगे, तो उन्होंने भी गुलामी से मुक्ति पाई है। देखिए, आज जो भी देश के अंदर राजनीतिक हालात हैं, आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने की कार्यक्रम चलाते हैं। आपको देश के अंदर दिखाई देगा, चाहे महाराष्ट्र का विषय हो या अभी एक हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड में, हेमंत सोरेन जी, उसके विषय में देखो किस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जो आज सत्ता में जो पार्टी छोड़ने की जो आप लोग कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से इस समय भय का तांडव मचाए हुए हैं, और जिस दिन ये भय खत्म हो जाएगा, सभी लोग स्वतंत्र रूप से फिर मूल विचार में आ जाएंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं, जो मुख्यमंत्री पद में हैं, जो मुख्यमंत्री पद में, आप उम्मीद करिए कि आप हम सब लोग जिस पदों में जो लोग हैं, अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया साहब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए आकर के खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उसके पीछे पड़े हैं, वहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के पीछे पड़े हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पीछे पड़े हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ये आज के समय में बात ये नहीं है कि सत्ता में हम कैसे आएं, बात ये है कि लोकतंत्र कैसे बचाया जाए। लोकतंत्र खतरे में, जो आज माननीय मोदी जी, और आपको मैं बता दूं, आप, मैं तो स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आप लोगों का थोड़ा काम बढ़ा रहा हूं, आप चेक करिए, आज़ादी के बाद जितने प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से सबका भाषण देखिए, ये माननीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 80% भाषणों में विपक्षहीन ये सरकार चलाना चाहते हैं। हमें सब कहते हैं कि कांग्रेस